Hi guys, this is Dan from Fillife and today we'll be talking about a company called Nosil. So Nosil एक company है जो rubber manufacturing जो process होता है उसको facilitate करने के लिए chemicals produce करती है. So it is particularly into the business of rubber chemicals. So इनके बहुत सारे और brands भी हैं, Pilflex के नाम से, Pilnox के नाम से, Pilcure के नाम से. ये सारे वो brands हैं जो usually B2B में ही आते हैं, तो इसलिए normal लोगों को पता नहीं होता इन brands के बारे में, लेकिन ये rubber manufacturing के लिए काफ़ी use में आते हैं. तो अगर हम company की बात करें तो company का जो market cap है वो approximately 2500 crores के आसपास है अभी, और company में debt around 115 crores का है as compared to the assets of 650 crores. कंपनी का सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रो करी हैं एट द रेट ऑफ 11.01% ओवर द लास्ट 4 ईयर्स. 2014 से 2018 में इसकी सेल्स ग्रो करके 650 करोड़ से 980 करोड़ के आसपास हो गई है. कंपनी में प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करा है. 24 करोड़ का प्रॉफिट था ऑन द सेल्स ऑफ 650 करोड़ 2014 में, जो इंक्रीज़ करके 170 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है ओवर द सेल्स ऑफ 980 करोड़. दैट इज़ अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17.4%. अगर हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ करा है एट अ वेरी नाइस रेट. द अर्निंग पर शेयर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 to 10, तो मतलब 10 गुना अर्निंग पर शेयर इसका इंक्रीज करा है ओवर द लास्ट 4 ईयर्स. अगर मैं कंपनी में जो रेट आया है इसका अर्निंग पर शेयर का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 77%, विच इज़ एक्सट्रीमली मैसिव. सो वी वोंट कंसिडर दैट रेट, वी विल कंसिडर अ कंजर्वेटिव ग्रोथ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20%. तो अगर मैं 10 को 20% से ग्रो कराता हूँ तो मेरा जो नया अर्निंग पर शेयर आएगा 2023 का, दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 24.88. 2019, 20, 21, 22, 23 का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमने मेंशन किया. तो अगर इसकी बात करें और इसका पी निकालें तो ओवर द लास्ट 4 ईयर्स हम ये देखते हैं कि इसका पी ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन अ रेंज ऑफ 11 and 24. तो जो लोएस्ट नंबर आया हमारा वो 2016 में आया 10.80 का, दैट इज़ द लोएस्ट पी, और जो हाइएस्ट पी आया वो 24 का है. तो अगर मैं लोएस्ट और हाईएस्ट पीई को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके फ्यूचर के अर्निंग पर शेयर से, तो जो हमारा नया प्राइस आता है दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 270 and 600. तो लगभग ये स्टॉक 270 और 600 के बीच में ट्रेड कर सकता है आफ्टर 5 ईयर्स, और इसका करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है अराउंड 150 के आसपास. तो अगर आप अभी 150 पे इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 11 से 31% तक का रिटर्न मिल सकता है आपको ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. सो कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही डिटेल्स थी, एंड कंपनी ठीक लग रही है. इसका सपोर्ट अभी 95 के आसपास है, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसका रेजिस्टेंस आपका लगभग आ रहा है 225 पर. तो अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन आई वोंट से दैट इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हल्की सी ओवरऑल फील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट नाइस. एंड सिंस वी कीप ऑन मेकिंग वीडियोज एवरी डे एंड देर आर मैनी अदर कंपनीज विच कैन बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैन Nosil. सो आप हमारी और वीडियोज़ देख सकते हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, यू कैन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एंड यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल. हमारा चैनल औरों के साथ शेयर करिए Fillife का, जिससे कि आपको ऐसे ही पैसिव इनकम ग्रोथ के लिए स्टॉक्स पता चलते रहें. पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पता चलेंगे, और हम वीकली या 15-20 दिन के अंदर ये भी रिव्यू देते हैं कि हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनमें से बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं. तो आप उन वीडियोस के लिए वॉच आउट करें कि वो वीडियोस मिले तो आपको ये कंसोलिडेटेड मिलेगा कि बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं. सो दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो. कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग. थैंक यू सो मच.